युवाओं को मैं यही कहूँगा कि पूरे उत्साह से और पूरे अपने आप को आगे बढ़ाते हुए देश और समाज के लिए काम करने की प्रेरणा उनके मन में जागनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया और उनसे प्रेरणा लेकर के हम देश में देश के को आगे बढ़ाने के लिए देश के विकास में जो भी कुछ कर सकते हैं उसको करना चाहिए। और आज इस अवसर पर कई कार्यक्रम हुए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है और आज इसी प्रकार से मिल्खा सिंह एडवेंचरस जो क्लब है उसकी ओर से भी एक 40 के लगभग युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है, उनके कार्यक्रम मेरा जाना हुआ और अभी ये सूचना सूचना आयोग भवन इसका जो शिलान्यास किया है और इस सारे कार्यक्रम के माध्यम से सूचना आयोग के भी हमारे सदस्य हैं उन सबको बधाई देता हूँ। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने सहमति दी है कि आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती का दिन है तो इस भवन का नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही रखा जाएगा। ये भी अच्छी बात है। सीएम साहब, इंडिया गेट पर एक बड़ी जो है वो शुरुआत होने जा रही है, वहाँ पर अमर जवान ज्योति के जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लग रही है, उसका होलोग्राम उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इस पर विपक्ष एक तरह से राजनीति भी कर रहा है, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन को जिस प्रकार से यानी आज हम देखते हैं, उनका इतना बड़ा योगदान देश की स्वतंत्रता में यानी आज़ादी में जो था, पिछली सरकारों ने कभी भी उनको मान्यता नहीं दी, उनके स्थान को कभी इतना आगे बढ़ाया नहीं। मैं बधाई देता हूँ वर्तमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने विचार करके और एक महत्वपूर्ण स्थान इंडिया गेट के ऊपर और जो नेताजी की प्रतिमा का लगा करके और उन्होंने किया है, इससे उनके जीवन से हमको लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी। और विपक्ष को तो बल्कि आज पछतावा होना चाहिए इस बात का कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन को जितना आगे बढ़ाना चाहिए था वो नहीं बढ़ा पाए और आज उनको नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए और उनको शुभकामना देनी चाहिए कि इस प्रकार के काम में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा लगा करके वहाँ और देश की जनता के सामने एक अच्छा काम किया। देश के जो महापुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या फिर सुभाष, जो जितना सम्मान आज पिछले 7 साल में जिस तरह से केंद्र सरकार कर रही है, जगह जगह पर जो आयोजन होते हैं या स्टैचू लगते हैं, इस पर विपक्ष खास तौर पर ये मानता है कि ये महापुरुषों को अपने नाम करने की कोशिश है, कवायद है। विपक्ष के सामने एक ही टारगेट होता था कि वंशवादी राजनीति को करते थे, उनको नेहरू परिवार से बाहर निकलने की कभी फुर्सत नहीं मिली। लेकिन जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए काम किया, इन्हीं कि उसमें नेहरू जी ने नहीं किया ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन जिन्होंने भी किया उनको सबको एक समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए था, जो कांग्रेस ने कभी किया नहीं, वो एक ही मार्ग पर चलते रहे। लेकिन आज सबको समान एक स्थान प्रतिनिधित्व जिस प्रकार से मिल रहा है और यही वास्तव में आगे आने वाली पीढ़ी को देश के इतिहास के बारे में सही चित्रण करके जो बताया जा रहा है यही उचित है। और अब उनको जो नेहरू परिवार की भक्ति को जो करते हुए इतना समय हो गया जिस कारण से उनको नुकसान भी हुआ है जी। आज कांग्रेस अगर इस मार्ग पर चल रही है तो इसी कारण से उनको नुकसान हुआ रहा है। अभी भी अगर लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ती है कांग्रेस तो एक मजबूत विपक्ष के नाते लगातार बनी रहे। 5 राज्यों के चुनाव प्रचार पर आप क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से प्रचार चल रहा है आप क्या मानते हैं कि नतीजे किस तरह के होंगे? मैं मानता हूं कि देश में अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने का लगातार सिलसिला जारी है वो आगे भी लगातार जारी रहेगा और इन सब जगह पर कई जगह पर तो भारतीय जनता पार्टी इस पर सरकार ही बनाने वाली है और कुछ जगह पर अभी स्थिति और स्पष्ट होगी जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पहले से और अधिक जो स्थान है वो बनेगा इन 5